Yes, you heard it right. More students will be removed. If you wish to know why, then do watch the video completely. Hey all, it's your बेटा commerce वाला. And यार yes, ये बात सही है कि और ज्यादा students को remove किया जाएगा Golka Already Facilitator Program से. तो यार आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कौन सा form है जिसको आपको fill करना पड़ेगा जिससे आप remove ना हो इस particular program से? तो यार सारे important points मैं आपको इस particular video में बताऊंगा. जो भी doubts हैं वो सारे clear कर दूंगा. Video को शुरू करते हैं. बस एक important point. अगर video पसंद आए तो video को like करके channel subscribe करना. Like target इस particular video का रखते हैं 300. ठीक है. तो चलिए अब शुरू करते हैं. सारी conditions आपको समझाता हूँ. यार मैंने एक पीपीटी बनाई है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं. इनको ध्यान से सुन लेना. ठीक है. तो यस, मोर स्टूडेंट्स विल बी रिमूव्ड. पहली कंडीशन क्या है उसको समझते हैं. यार पहली कंडीशन ये है, काइंडली नोट दैट दोज स्टूडेंट्स दैट आर डूइंग द प्रोग्राम अलोंग विद अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम लैपटॉप्स कंप्यूटर्स और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स इन कॉलेजेस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम फ्रॉम द 24th ऑफ दिस मंथ एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्राइजेस. तो यार इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी सिंपली बता रहा हूँ, आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है. मतलब ये कि अगर आप या आपका कोई दोस्त या आपका कोई भाई या आपका बहन, अगर इनमें से किसी ने भी आपके साथ पार्ट लिया है गोल्का ऑलरेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में और आप दोनों लोग एक ही लैपटॉप से प्रोग्राम सिलेबस की लैब्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए. और क्या प्रॉब्लम होगी, आपको रिमूव कर दिया जाएगा 24 जून को इस पर्टिकुलर मंथ की. बट अगर आपको बचना है रिमूव होने से तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्रोग्राम सून इफ यू कम इन द फॉलोइंग केसेस. इन केसेस में अगर आप आए तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा. तो यार पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दो प्रोग्राम होते हैं अपने, 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड और दूसरा होता है Google Cloud Ready Facilitator Program. 2022 से पहले अगर आपने 2021 या 2020 में इन दोनों प्रोग्राम में पार्ट लिया हो या किसी एक भी प्रोग्राम में अगर आपने पार्ट लिया हो तो आपको इस बार प्राइजेस नहीं मिलेंगे. तो उससे आपको कैसे बचना है, इसके ऊपर मैं पहले डिटेल वीडियो बना चुका हूं. जब प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं. अगर आपने नहीं देखी, आई होप अब तक आपने देख लिया होगा, बट अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसे देख लेना. तो ये तो आई होप सबका क्लियर होगा. दूसरा है, यूजर्स हु हैव मल्टीपल एनवायरनमेंट्स ओनली देयर मोस्ट लेटेस्ट वन विल बी काउंटेड. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले कि अगर आपने 3-4 अकाउंट से पार्ट लिया है गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में तो यार जिस पर्टिकुलर ईमेल से आपने लास्ट बार गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया था वो वाला ईमेल काउंट किया जाएगा, उस वाले ईमेल से आपकी प्रोग्रेस को काउंट किया जाएगा. ठीक है. तो मानो अगर आपने 4 फॉर्म को फिल करे 4 अलग अलग मेल से तो जो लास्ट वाला मेल होगा जिससे आपने फॉर्म को फिल किया होगा वो माना जाएगा. इसके ऊपर मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा. ये वही सेम बात है, अगर मल्टीपल ईमेल आईडी होंगी तो लास्ट वाली मानी जाएगी. अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, टू अवॉइड काइंडली फिल आउट दिस गूगल फॉर्म एंड अपलोड any of your government IDs for verification. तो यार अगर आपको remove ना होना हो इस particular program से, पहली बात ये चीज सबके लिए नहीं है, ये चीज सिर्फ उनके लिए है जो लोग एक ही laptop से दो account से कर रहे हैं या उनके भाई बहन या उनके दोस्त एक ही laptop से कर रहे हैं. तो ये particular चीज सिर्फ उनके लिए है. उनको verification में एक form दिया जाएगा जिसमें आपको government ID को fill करना होगा. ठीक है. और government ID की भी एक मोड़ चीज मैं आपको बता दूं, ट्राई करना आधार कार्ड मत देना, ड्राइविंग लाइसेंस दे देना या तो पैन दे सकते हो, वैसे पैन भी नहीं देना चाहिए, ट्राई करना ड्राइविंग लाइसेंस दे पाओ तो ज्यादा बेटर है. ठीक है. क्योंकि आधार में काफी चीजें लिंक्ड होती हैं तो बेटर रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, वरना आप आधार दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सेफर साइड में रहने के लिए, क्योंकि किसी को अपना आधार नहीं देना चाहिए, उस तरह मैं बता रहा हूं. ठीक है. बाकी दे सकते हो, कुछ होगा नहीं, उसकी टेंशन मत लेना. ठीक है. किसको देना है क्या देना है वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन से बच्चों के लिए ये भी मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा क्लियरली. तो गूगल फॉर्म को फिल करो अगर आप इन दोनों कंडीशंस में आए. कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन ये, डूइंग द प्रोग्राम ऑन योर फ्रेंड सिस्टर्स ब्रदर्स लैपटॉप हु इज आल्सो एनरोल्ड इन द प्रोग्राम इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट दे आर एनरोल्ड इन. तो पहली कंडीशन क्या है इसे ध्यान समझो, ऐसे मानो मैंने पार्ट लिया है गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में और मेरी बहन ने भी लिया है, मेरे भाई ने भी लिया है. ठीक है. और सब लोग अगर एक ही लैपटॉप से कर रहे हैं, मेरे लैपटॉप से उसका सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, लैब्स को परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट आईडी को देना पड़ेगा. ठीक है. किसको देना होगा, फैसिलिटेटर को देना होगा. कैसे क्या वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं. तो पहली कंडीशन का पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये कि अगर मानो मेरा कॉलेज अलग है, मेरी बहन का कॉलेज अलग है, मेरे दोस्त का कॉलेज अलग है, तब भी आपको गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी. ठीक है. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मानो मेरे घर में वाईफाई लगा है, वाईफाई राउटर लगा है, ठीक है, तो मैं लैब्स को परफॉर्म कर रहा हूं और मेरी दीदी भी परफॉर्म कर रही है, मेरा दोस्त भी परफॉर्म कर रहा है एक ही घर में, ठीक है, तब भी सेफर साइड में रहने के लिए ये कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट आईडी को प्रोवाइड कर दो अपने फैसिलिटेटर को. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे पूरा लिखा है, इसको आप देख सकते हैं, मैं पीपीटी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. तो पहली कंडीशन के ये तीन पार्ट्स थे, मैंने आपको ये समझा दिए. और यार ये करने का मेन मोटिव ये है कि उन्हें पता चल जाए कि ये दो अलग अलग बंदे हैं जो एक ही लैपटॉप से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ये करेंगे कि मैंने ही मानो तीन अकाउंट बना लिए और मैं अपने लैपटॉप से तीनों अकाउंट से कर रहा हूं और तीनों गुडीज मंगाऊंगा. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम होती है, इससे बचने के लिए वो लोग गवर्नमेंट आईडी ले रहे हैं. तो आई होप आपको पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी. दूसरी कंडीशन ये, डूइंग द प्रोग्राम ऑन कॉलेज कंप्यूटर्स विद योर फ्रेंड्स आल्सो यूजिंग द सेम कंप्यूटर टू डू द लैब. मतलब क्या कि मानो आपके कॉलेज में कंप्यूटर लैब है, ठीक है, और मैंने किसी भी मानो कंप्यूटर लैब में बहुत सारे, एक कंप्यूटर लैब में मानो 35 कंप्यूटर है, मैंने किसी एक कंप्यूटर में लैब करी और उसी कंप्यूटर में मेरे दोस्त ने करी, तो फिर ये भी नहीं माना जाएगा, इसमें भी आपको गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी. तो यार ये सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट ये कि मानो कि मेरे कॉलेज के लैब में 35 कंप्यूटर है, ठीक है,
तो सारे 35 कंप्यूटर एक ही वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब सब में इंटरनेट उसी वाईफाई राउटर से आ रहा है। तो मानो मेरे दोस्त ने लैब के पहले लैपटॉप में लैब्स करनी शुरू करी और मैंने कोई 34th या 35th लैपटॉप में करना शुरू किया, बट क्योंकि यार ये सारे कंप्यूटर्स एक ही वाईफाई राउटर से जुड़े इसलिए हम लोगों को गवर्नमेंट आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यार सेकंड पार्ट में ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पहली कंडीशन यही है कि अगर आपके घर में दोनों लोग एक ही लैपटॉप से कर रहे हैं या अलग अलग लैपटॉप से कर रहे हैं, वाईफाई राउटर सेम है तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप कॉलेज लैब में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से कर रहे हैं या सेम कंप्यूटर से कर रहे हैं, सेम वाईफाई राउटर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो भी आपको गवर्नमेंट आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो यार ये दोनों कंडीशंस थी। अब लास्ट है फ्रॉम वेयर टू गेट गूगल फॉर्म, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट आईडी अटैच करनी होगी एक गूगल फॉर्म में। कौन से गूगल फॉर्म में? जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज का आपने नेम डाला था, रेफरेंस इंस्टीट्यूट में या अगर आपके इंस्टीट्यूट में, तो आप अपने कॉलेज के फैसिलिटेटर तक रीच आउट करिए और रेफरेंस इंस्टीट्यूट में अगर कोई कॉलेज का नेम डाला हो तो उसके फैसिलिटेटर तक रीच आउट करिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें कुछ फैसिलिटेटर्स हैं, वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएंगे। और दूसरा लिंक्डइन पे आप फैसिलिटेटर से जुड़ सकते हैं, उनको मैसेज करके उनसे फॉर्म मांग सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आप फैसिलिटेटर के ग्रुप से जुड़े होंगे यार, क्योंकि जो भी कॉलेज का नाम आपने भरा हो उसके फैसिलिटेटर के ग्रुप से जरूर जुड़े रहो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैं ये फॉर्म इसलिए नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि एक कोई फॉर्म नहीं है, हर एक फैसिलिटेटर का अपना अलग फॉर्म है, ठीक है। तो यार मैं अगर एक प्रोवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सब लोगों को अपने कॉलेज के फैसिलिटेटर से फॉर्म लेके उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। मतलब आप किसी और के कॉलेज के फैसिलिटेटर का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। जैसे मानो मैंने अपने कॉलेज को सिलेक्ट किया था रेफरेंस इंस्टीट्यूट में पीएसआईटी को, तो जो पीएसआईटी का फैसिलिटेटर होगा मैं उसी से फॉर्म लूंगा, उसके फॉर्म को फिल करूंगा, कोई भी ऐसे फॉर्म को नहीं फिल कर सकता, ठीक है। तो यार इसके लिए बेस्ट यही होगा कि आप अपने फैसिलिटेटर तक रीच आउट करें, बट तभी रीच आउट करें अगर आप इन कंडीशंस में आते हो तो, ठीक है। फर्जी आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट डेट क्या है ये सब करने की? 24 जून। और लास्ट में अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूं, तो अगर मानू कि मैं 3 अकाउंट से कर रहा हूं तो 3 अकाउंट से करना छोड़ दो, किसी एक अकाउंट से ही करो, एक ही लैपटॉप से, सिंपल फंडा ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपके घर में ब्रदर या सिस्टर सेम लैपटॉप से कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप रीच आउट करें तो जरूरी होगा, ठीक है। और तीसरा ये कि अगर आप लैब में कॉलेज के कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इतना उन्हें पता चलेगा लैब में किया है किसी ने कि नहीं किया है, ठीक है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट सेफर साइड में रहने के लिए अगर प्रोवाइड कर दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ये अपनी कंप्लीट वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। सो यार ये अपनी कंप्लीट वीडियो थी, आई होप मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।